मैं कुछ करने वाला हूँ आज, मैं ना सिमर को ऐसे गोद में उठा के पानी में झपाक फेंकने वाला हूँ। आपकी राधिका को जो डुबोया गया है। वेलकम टू करण शर्मा'स यूट्यूब चैनल गाइज। दोस्तों ये BTS मैंने बनाया था जब हल्दी की सेरेमनी हो रही थी और इस दिन हम लोगों ने बहुत फन किया। धूप में शूट था लेकिन बावजूद उसके एनर्जी बहुत हाई थी, यू कैन सी दैट। क्या आप सब रेडी हैं आज की हल्दी सेरेमनी के लिए? क्या जीडी कुछ करने वाली है आज कड़क? अरे वाह। और ये हमारी जो माता श्री हैं, ये कुछ 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 कांड तो नहीं करेंगी, मतलब कुछ ड्रामा तो नहीं करेंगी? नहीं नहीं, फंक्शन है, कर लो जो भी होगा पता चल ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ। Aditi, are you ready for today? Yes, ready for the Narayans. क्या Oswal power? Oswal power. Oswal power. Yes. And here is the powerhouse of Oswals. क्या मैं ठीक लग रहा हूँ guys? तो अच्छा लग रहा है। कुछ करने वाला? कुछ करेगा? मैं कुछ करने वाला हूँ आज, मैं ना सिमर को ऐसे गोद में उठा के पानी में झपाक फेंकने वाला हूँ। फिर क्या, ये देख लो कहाँ पे घूम, फूलों की महफिल में, आई मीन ये जो स्विमिंग पूल में मस्त फूल जाते गिरे वहाँ। मैं कल रात से 2-3 बारी प्रैक्टिस कर चुका हूँ उसको उठा के, तो वेट था उसका, सुबह सुबह बेइज्जती ना हो। तो वेट था? नहीं वेट बिल्कुल नहीं था, वो तो बहुत ही अलग ही है, कितना 50-60 के लीजिए होगी बस। इट्स ओके। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था हम लोग सीन कंप्लीट करते जा रहे थे और ऊपर वाले की थोड़ी दया हो रही थी तो बीच में थोड़ी छांव हो जा रही थी, फिर धूप हो जा रही थी, तो ये धूप छांव का खेल चलता जा रहा था और हम इसी बीच अपने संगीत हल्दी सेरेमनी कंप्लीट कर रहे थे। और उसके बाद आने वाला था वो टाइम जब मुझे सिमर को पानी में फेंकना था, मगर उससे पहले मेरा नंबर भी तो आएगा हल्दी लगाने का। जी हाँ, और मैं नहीं छोड़ने वाला भाई को, नाक पे भी लगा दिया। ओ गॉड, बड़ा मज़ा आया ये सीक्वेंस करते हुए, हल्दी लगाते हुए। और इसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा था सिमर का, कि सिमर के साथ वो पानी में डुबोने वाला सीन कब शुरू होगा। हल्दी सेरेमनी कंप्लीट करने के बाद जब सिमर को पानी में फेंकने वाला सीन आया तो उस वक्त तक शाम हो चुकी थी और हम सब लोग पसीने में उतर बतर हो चुके थे धूप में शूट करते हुए। और उसके बाद हमें सिमर को पानी में कूदना था, मुझे उन्हें फेंकना था। बेसिकली मैं बहुत नर्वस था उनको लेकर, बिकॉज मैंने कहा यार मैं पानी में फेंकूँगा चोट ना लग जाए। सो बट शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि करण तुम अच्छे से कर लोगे, एंड लकीली मैं वो कर पाया, एंड थैंक्स टू हर कि शी मेड मी फील कम्फर्टेबल एंड शी डिड दैट सीन वेरी नाइस। प्राउड ऑफ यू सिमर। जब ये सीन शूट हो रहा था तो वहाँ पर सारे प्रिकॉशंस लिए गए थे कि खुदा ना खास्ता अगर हीरोइन हमारी डूबती है तो उन्हें बचा लिया जाए। जो कि डूबने वाला कोई चांस नहीं था बिकॉज पानी बहुत कम था। और ये देखिए यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं ये सब देखने के लिए, साथ में कृतिका भी है। अदिति आ जाओ, अदिति आ बेटा, अदिति आ।
ये सब कैसा लग रहा है आपकी आपकी राधिका को जो डुबोया गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफी टफ सीन था, मैं होता हुआ शायद नहीं कर पाता। क्या बात है, क्या बात है, बोलते कि अपना अपना देखो। अगर आप होते और आपको कोई गिरा देता तो आप क्या पहले अपने आप को बचाते हैं या राधिका को बचाते? राधु कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो चलो, रेडी रेडी, देखो हंसते हुए। ओके और इसके बाद क्या होता है ये तो आप लोगों ने टीवी पे देख ही लिया होगा दोस्तों, कि कैसे हीरो की बाहों में हीरोइन फिसल जाती है और बैकग्राउंड में एक रोमांटिक म्यूजिक बजता है और कैसे वो मोमेंट क्रिएट होता है। जी हाँ, सो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द। टिल देन यू बी सेफ, स्टे हेल्दी, वी विल सी यू सून, लव यू गाइज, बाय बाय।